अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी तबीयत काफ़ी बेहतर है। कुछ दिनों से ख़राब थी, तो अब काफ़ी बेहतर हो गई है माशाल्लाह से। और आज तो मैं फ्रेश हूँ प्लस एनर्जेटिक टू। सच में बहुत अच्छा फील कर रही हूँ, बहुत, और मूड भी मेरा माशाल्लाह से ना बहुत अच्छा है। सो आज जो था ना, आज मेरे पास ऐसा कोई सच कोई ऐसा कोई कॉन्टेंट जैसे कोई वीडियो नहीं थी, जो मुझे समझ में नहीं आ रहा था तो मैं आपके लिए क्या करूँ। सो मैंने सोचा कि चलें आज हम लोग एक रैंडम सा एक खाली पीली का ब्लॉग बनाते हैं, ठीक है, जहाँ से मैं आपको ना ऊपर ऊपर से सारा शो करूँगी कि ना हैदराबाद ऊपर से कैसे लगता है, ठीक है, और कितना अच्छा लगता है। मेरे समय तो बड़ा अच्छा लगता है, तो आपको कैसा लगता है? दूसरा, इंशाल्लाह जो लोग मुझे सपोर्ट करते हैं, मेरे साथ बने हुए हैं, थैंक यू सो मच आप सबका। इंशाल्लाह मैं भी आपके सबके साथ बनी रहूँगी। हाँ, और जो है आप लोगों को भी आने वाले दिनों में अपनी मेरी वीडियो कोई मिस नहीं करनी है, ठीक है। ये आप लोगों को अभी सरप्राइज़ मिलने वाला है, दो तीन दिनों में बड़ा अच्छा व्लॉग मेरे मिलने वाले हैं। सो ना आपको बड़ा मज़ा आएगा, और जो बाहर रहते हैं ना उनको तो और भी मज़ा आने वाला है, बिकॉज़ वो जो पाकिस्तान को मिस करते हैं ना, वो ये चीज़ें देख के ना बड़ा इन्जॉय करेंगे, ठीक है। सो इंशाल्लाह मैं अपनी तरफ पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपको अच्छे से अच्छा एक व्लॉग दे सकूँ। सो ये जो हम ऊपर आए थे, चलिए अब स्टार्ट करते हैं यहाँ से ना, यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग अपनी वीडियो का। जब मैं ऊपर आई, अपनी अम्मी को मैं लेकर आई थी, बिकॉज मैं अकेले बिल्कुल नहीं आती ऊपर, और मुझे डर भी लगता है, यहाँ पे चीले होते झपटे मारते, तो मैं डर डर के ना अकेले नहीं आती। अपनी अम्मी को लेकर आई थी, आप मेरे साथ चले अब व्लॉग बनाते हैं। सो ये जो मेरे घर के बैक पे बिल्कुल एक बिल्डिंग्स हैं, गाड़ियाँ चल रही हैं, और ना स्कूल्स बने हुए, यहाँ पे बहुत शोर होता है। ये बस दुख वाली स्टोरी, में शोर में बंदे रहते कैसे, मुझे आज एहसास हुआ है कि कराची वाले कैसे रहते हैं। क्योंकि यहाँ पे ना हैदराबाद में थोड़ा शोर कम होता है, पर फिर भी ये शोर है। मैं कराची में तो 24 आवर्स होता है। सो पता नहीं लोग कैसे रह लेते हैं वहाँ पे इतने शोर में। सो यहाँ के जो ऊपर से फ्लैट का व्यू देखिए, कितना अच्छा हैदराबाद का व्यू आता है। और ये बिल्कुल एंड है, यहाँ पे ना एक हाईवे है पूरा बाहर, ये सामने जो हाईवे बना हुआ है। रात के टाइम पे आपको लाइटें वगैरह सब जलती हुई नज़र आएंगी कार्स की, और बड़ा अच्छा व्यू आता है यहाँ से। हम लोग यहाँ पे खड़े होकर कॉफ़ी चाय पे ना बड़ा मज़ा आएगा, और बड़ा अच्छा व्यू होता है। जब बारिश होती है ना, तो हम लोग सब ऊपर आते हैं और सब इस व्यू को इन्जॉय करते हैं। और अभी पता है कि हम लोग सनसेट के टाइम पे आ रहे थे, तो ये भी देखिए कितना अच्छा जो है ना सन लगा है। छोटू सा सन है, छोटू सा प्यारा सा सन, रेड एंड ऑरेंज कलर में। तो ना सनसेट और सनराइज़ का अपना टाइम में मज़ा होता है, पर हम लोग सनराइज़ में नहीं जाते, डर लगता है, और सनसेट में थोड़ा मूड बन जाता है, चलो चक्कर लगा के आते हैं। तो ये हमारा ना मेन था। और आसमान भी देखिए माशाल्लाह कितना क्लियर, बस कोई बादल वादल नहीं थे, बड़ा अच्छा मौसम था। सर्दियां तो अब आ रही हैं हमारे पास, और आज सर्दी है, दो तीन दिन में और सर्दियां इंक्रीज़ होने वाली हैं। और घर में हमारा घर माशाल्लाह बड़ा ठंडा है, बड़ा ठंडा है, तो फुल क्वेटा है, क्वेटिया, तो यहाँ पे बड़ी सर्दी होती है। मुझे पेशावर और क्वेटा सब याद आता है, यहाँ पे बड़ा ठंड होता है। और देखिए मेरी ना, मैं बोलते बोलते ना कहीं कहीं से कहीं और चली जाती हूँ। सो वापस हम लोग अपने रूट वापस इस लाइन में आते हैं, और जो है एक तरफ राइट लेफ्ट साइड मैंने आपको दिखाया, राइट साइड, ठीक है, हाईवे वाला, अब लेफ्ट साइड। और लेफ्ट साइड में ये जो है ना, ये वायरिंग्स ना सारी केबल वाली वायरिंग्स है, यहाँ पे मिस कुछ भी नहीं। और बिल्डिंग बिल्डिंग से मिली हुई है, तो इन्होंने ये सामने एक दूसरा प्लाजा, नॉट सेम, दूसरा प्लाजा है। और जो इस तरफ जो अभी प्लाजा मैं आपको दिखाऊंगी, इन्होंने अपनी दीवारें ऊपर की हुई थी सारी सेफ्टी के लिए ना, क्योंकि हम लोग भी यहाँ पे चौकीदार हमारे ताले लगा के रखते हैं, कोई दरवाज़ा खुलता नहीं। आज स्पेशली आप लोगों के लिए मैंने ये दरवाज़ा खुलवाया और मैं ऊपर आई, अदर वेज ताला लगा के रख देते हैं। सो यहाँ पे जो दूसरा साइड था लेफ्ट साइड से, लेफ्ट साइड पे यहाँ पे एक दरगाह थी, और ये पुराने, मुझे इसकी कोई हिस्ट्री पता नहीं है, बिकॉज कभी मैंने पूछा नहीं, तो मुझे दरगाह का आइडिया नहीं, ठीक है। यहाँ पे दरगाह है, इतना पता है कि दरगाह बनी हुई है, और ये दरगाह इस तरह की थी, और कब्रें बनी हुई थी सारी इनकी, क्योंकि सारी फैमिली की कब्रें हैं, और उन्हें ये बतखें पाली हुई हैं, पता नहीं क्या क्या पालते हैं, तो सब ना आवाज़ें करते नज़र आता है यहाँ से, ठीक। यहाँ पे बिल्कुल सेम, उससे ऊपर जो है ना, यहाँ पे पूरे के पूरे घर बने हुए हैं ना। और ये देखिए एक पूरा व्यू मिस घरों का, यहाँ पे कितनी साफ नज़र होती है। मिस मैं सोचती हूँ कि लोग अगर एक जगह पे खड़े होकर दूसरे को देखते हैं, तो वहाँ पे साफ नज़र आता है, आपकी कोई प्राइवेसी नहीं होती है। सो ये पूरा एक जो है सबके घर नज़र आ रहे थे यहाँ से बिल्कुल क्लीन, उसको भी साइड पे करते हैं हम लोग। व्यू देखिए आप, व्यू कितना अच्छा, मीन ये पूरा हैदराबाद है, तो यहाँ से लेके पूरा आगे तक चले जाए, और ये ऑटोबान सिर्फ आगे जाता है, कितना अच्छा व्यू नज़र आ रहा है यहाँ से।
ये प्लाजा वगैरह सब कितने पीछे हैं। यहाँ से मुझे घर देखना ना, ऊपर देखना बड़ा मज़ा आता है। और बारिश के दिनों में ये जैसे दरख्त वगैरह सारे वॉश हो जाते हैं ना, इतना अच्छा व्यू होता है, इतना अच्छा व्यू होता है। कभी ना बारिश के दिनों में भी आपको ना अच्छा सा व्लॉग बना के दिखाऊंगी। सो आई थिंक आपको मेरी वीडियो ये पता नहीं कौन शूट कर रहा है। सो आई होप कि मेरी जो है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और ज़रूर लाइक करेगा, ज़रूर वॉच करेगा। सब अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़, और बने रहिएगा, ठीक है। नेक्स्ट 2 दिनों में इंशाल्लाह आपको और ब्लॉग्स मिलने वाले हैं। सबको मेरे साथ रहना है, ठीक है, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। और हाँ, कोई अच्छा सा ना वो किसी के बाद कोई अच्छा सा रेमेडी हो ना फ्लू के लिए, प्लीज़ बताइएगा। जान छुड़वानी है मुझे अपनी ना फ्लू से, एंटी एलर्जिक खा के मैं थक गई हूँ, बिल्कुल थक गई हूँ। सो इसके लिए किसी के पास कोई भी रेमेडी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।